वेलकम टू एलएमपी सेवाज एकेडमी। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 24 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है कॉस 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। दैट इज हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ठीक है, तो एज यूजली जैसे हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस में लेते हैं LHS को, तो मैंने ले लिया cos 4x। अब ये RHS के बराबर मुझे प्रूफ करना है। दैट इज ये चीज स्प्लिट करके ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज को यूज करके 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है, बहुत ज्यादा आसान तरीका। सबसे पहले आप मुझे एक फॉर्मूला बता दीजिए कॉस 2a का। क्या ये फॉर्मूला सभी को याद है, कॉस 2a का? हाँ, सभी को याद होगा। नहीं याद है तो आज याद कर लेना, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर जुड़ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, इतनी याद है। चलिए अब इस कॉस 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 2 इंटू 2x। ठीक है, अब मैं कर ले रहा हूँ लेट a इक्वल टू 2x। ठीक है, क्योंकि कॉस 4x का मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला तो कोई पता नहीं, तो मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लिया और मैंने इस 2x को a मान लिया। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 2a। अब कॉस 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब a की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, 1 माइनस 2 इसको लिख सकता हूं मैं साइन 2x का होल स्क्वायर। चलिए अब साइन 2x का होल स्क्वायर लेगा, साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है, बिल्कुल पता है। बताइए सब लोग, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस एक्स। सबको याद था, ये तो बहुत आसान फॉर्मूला, बहुत जगह यूज होता हम लोगों का। नहीं तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन 2x की जगह क्या लिख देंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 1 माइनस 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आपको यही चाहिए था RHS में? हाँ जी, हमें बिल्कुल यही चाहिए था। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत आई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, अपने एनसीईआरटी बुक के धुरंधर क्वेश्चन माने जाते हैं, जो लास्ट में है 22, 23, 24, 25, है ना। ये सबसे ज्यादा धुरंधर क्वेश्चन माने जाते हैं एनसीईआरटी के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हीं में, इन क्वेश्चनों में बस फॉर्मूलेज को यूज करना आना चाहिए, मैनिपुलेशन आनी चाहिए, जो कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, तो आपको ये क्लियर होता जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में तो आपको करना ही पड़ेगा ऐसे। जब आप इस टाइप का कोई और नया क्वेश्चन करोगे, जब आप इस क्वेश्चन को कर चुके होगे, तो वहां पर आप अपने माइंड को लगा सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो उस क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस तो बहुत मैटर करती है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ही कम रहती है। तो प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ तरीके पता चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करने के, कहाँ कैसे कौन सी आइडेंटिटीज को यूज करना है वो सब आपको पता चलेगा। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।